क्या कहना चाहेंगे? बस तो मैं तो मालोमाली हूँ, जब मेरे पास रंग कर्म की दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है, पिछले 45 वर्षों से रंग कर्म कर रहा हूँ और कितनी दौलत इकट्ठी हो गई है अब मुझे पता ही नहीं, और पूरी दुनिया में ही मैंने फैला रखी है उस दौलत को। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसी दौलत सबको मिले, सब रंग कर्मियों को मिले और सब रंग कर्मी पैशनेटली इस काम को करते रहे। बीकानेर में 4 साल से आए दिन, 4 साल से यह महाकुंभ हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? कैसे प्ले आ रहे हैं, क्या कुछ है, क्या इससे रंग दर्शक जुड़ेगा? ये जो नाटकों का कुंभ हो रहा है, ये अभी जो प्रयाग में कुंभ हुआ ना, उसके पैरेलल कुंभ है, और मैं चाहूँगा कि ये कुंभ आगे भी बढ़ता रहे, बहुत बड़ा हो जाए, और ये बढ़ेगा, ये यहाँ रुकना नहीं चाहिए। मैं ये सोच रहा हूँ कि अब यहाँ से बीकानेर से राजस्थान, राजस्थान से देश और देश से विदेश तक ये जो मूवमेंट शुरू हुआ है थिएटर का, उसको अब रुकना नहीं चाहिए, ये कंटिन्यू होना चाहिए। ये नहीं कि ये फेस्टिवल हो गया उसके बाद अगले फेस्टिवल के तक इंतज़ार करें, हम सब मिलके, सारे नाट्य धर्मी मिलके इस रंग कर्म को आगे बढ़ाएं और इसका एक ऐसा मूवमेंट करें कि जैसे 80 के दशक में पूरा देश अचंभित था कि राजस्थान कर क्या रहा है, इतने नाटकों का मंचन, हर अखबार हर मैगजीन में राजस्थान के नाटकों के बारे में लिखा जाता था, वही दौर मैं चाह रहा हूँ कि बीकानेर से शुरू हो और फिर पूरे देश पूरे विदेश में फैले।